अवैध कोयला तस्करी के संबंध में भाजपा नेता और झारखंड पश्चिम बंगाल के बड़े कोल कारोबारी मैनेजर राय उर्फ परमेश्वर राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इन पर भट्टे में अवैध कोयला खपाने का आरोप है। प्राथमिकी गोविंदपुर थाने में दर्ज की गई है। भट्टा परिसर में 15,909 टन के स्थान पर मात्र 7,944 टन कोयला पाया गया है। इस प्रकार 7,962 टन कोयला कम पाया गया। जांच क्रम में पाया गया कि भट्टा संचालक के द्वारा स्टॉक पंजी और जिला खनन कार्यालय में दाखिल मंथली रिटर्न में अंकित कोयले की मात्रा और वास्तविक मात्रा में काफी भिन्नता है। बोकारो में बस की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को दोनों ओर से जाम कर दिया और जिला प्रशासन से बस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक का नाम दीपक कुमार है जो गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में शिक्षक है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजा और मृतक के आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। चौका कांडरा सड़क मार्ग के घाट डुमरी के पास शनिवार की अहले सुबह बस और कार में टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग घायल हो गए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक मृतक का नाम समीर अंसारी है और एक महिला रेशमा खातून है। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए चांडिल अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। इस घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मृतक समीर अंसारी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के कुकड़ू प्रखंड अध्यक्ष शमीम अंसारी का बेटा है। सूबे में कोरोना के बाद फैल रहे वायरल फीवर की चपेट में अब मुंगेर भी आ गया है। निजी क्लिनिकों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक ओपीडी में तेज बुखार, खांसी और सर्दी से परेशान बच्चों के इलाज के लिए परिजन पहुंच रहे हैं। इस मामले में सीएस ने कहा, किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल तैयार है। ऑक्सीजन से लेकर बेड तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऑल इज वेल। वहीं निजी क्लिनिक के चिकित्सक ने कहा कि ऐसे लक्षण वाले 80 से 100 की संख्या में पेशेंट आते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका इलाज कर हम लोग उन्हें वापस भेज दे रहे हैं। धनबाद गया रेलखंड के हिरोडी रेलवे स्टेशन के समीप शुक्रवार की रात अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जीआरपी कोडरमा से मिली जानकारी के अनुसार घटना पोल संख्या 383/21 के समीप हुई है। इस घटना की सूचना के बाद जीआरपी कोडरमा ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक लाल रंग का टी शर्ट और जींस पहने हुए है। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष आंकी जा रही है। इधर जीआरपी कोडरमा यूडी केस दर्ज कर मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। मुंगेर नगर निगम के सभी कर्मियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान नगर विकास मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई है। सभी कर्मी बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन महासंघ पटना के तत्वाधान में 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में ऑफिस कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, दैनिक कर्मी, स्थायी कर्मी, जल कल कर्मी शामिल है। इसमें मुख्य मांगे दैनिक मजदूरों को स्थायी करने, वेतन विसंगति को दूर करने, 7वां वेतनमान लागू करने, पेंशन लागू करने की मांग की है। इस मामले पर मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा है कि हड़ताली कर्मियों से वार्ता कर उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सकरी गली मल्टी टर्मिनल में अब जल्द ही जलमार्ग सेवा शुरू हो जाएगी। 183 एकड़ में 292 करोड़ की लागत से टर्मिनल 2 साल में पूरा होगा। जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन साहिबगंज पहुंचकर टर्मिनल का जायजा लिया। इस दौरान टर्मिनल को फंक्शनल मोड देने के लिए जहाज व्यवसायी सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट समेत अन्य व्यवसायियों के साथ भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकार के डायरेक्टर तथा चेयरमैन ने वार्ता भी की। रेल दोहरीकरण, NH80 को 4 लेन बनने का जल्द काम शुरू किए जाने के बीच सकरी गली में बने बंदरगाह से जल्द किए जाने के आसार दिखने लगे हैं। इससे साहिबगंज जिला चहुमुखी विकास की ओर से एक और कदम बढ़ता दिख रहा है। बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सार्वजनिक सड़क को टाटा स्टील के द्वारा बंद करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अजय कुमार जुबली पार्क पहुंचे और पार्क के मुद्दे पर मीडिया के माध्यम से उपायुक्त और सरकार को अवगत कराने की बात कही। साथ ही चेतावनी देकर जन आंदोलन करने की बात कही। डॉक्टर अजय ने शहरवासियों से जात पात, धर्म और संप्रदाय के मुद्दों से ऊपर उठकर अपना जन प्रतिनिधि चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन्हें जन प्रतिनिधि चुनकर क्षेत्र की जनता ने सदन भेजा है, आज वही जन मुद्दों पर चुप्पी साध रहे हैं।